जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और रमूज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। दोस्तों जैसे आपको पहले ही पता है कि आज मैं मौजूद हूं चैंपियन लाहौर 2019 उस्ताद जगह खोकर और उस्ताद मौला खोकर साहब के छत पे मौजूद हूं। दोस्तों आज उस्ताद जगह खोकर साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम क्रॉस जोड़ा लगाना सीखेंगे कि वो क्या क्या पॉइंट देखते हैं और देख के जो है ना वो जोड़ा लगाते हैं। इससे पहले कि दोस्तों मैं उस्ताद जी की तरफ जाऊं और उनसे जो है सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करूं, इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज और रमूज सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। जी वालेकुम अस्सलाम उस्ताद जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अच्छा उस्ताद जी, माशाल्लाह आपकी शख्सियत किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कबूतरों की वजह से आप तकरीबन पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, आपकी जो परफॉर्मेंसेज है वो सबके सामने है। तो आज हमें आप क्रॉस जोड़ा लगाना बता रहे हैं, तो अच्छे कबूतर की पहचान और परख किस तरह की जाती है को थोड़ा सा इस बारे में बताएं, और जोड़े की जो सिलेक्शन है वो किस तरह आप करते हैं वो भी बताइएगा। नदीम साहब, अच्छा जोड़ा लगाना सब तो पहले कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए है, उस तो बाद उनका पर अच्छा होना चाहिए है, हड्डी जोड़ अच्छा होना चाहिए है। जिहड़े चार पांच पॉइंट ने अगर ये पूरे ने ना तो कबूतर मुकम्मल है। उन्हें पॉइंटा ने अगर कबूतर पूरा उतरता है ना, हड्डी अच्छी होनी चाहिए, जोड़ अच्छा होना चाहिए है, कबूतर का कुंदा अच्छा होना चाहिए है, कबूतर के पैर चंगे होने चाहिए ने, इंशाल्लाह ताला रिजल्ट देगा इंशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, पर किस तरह का पसंद करते हो? मैं सर नुकीला पर पसंद करता हूं। नुकीला पर पसंद जी, ठीक हो गया। और उस तो अलावा उस्ताद जी हड्डी? हड्डी किश्ती नुमा मैं पसंद है। किश्ती नुमा बिल्कुल गोल हड्डी जी, नहीं जी हड्डी थले हाथ में लगे चुभे जी, ठीक हो गया। ये हड्डियाँ बहुत अच्छिया ने, क्योंकि साढ़े को काफ़ी इन्होंने हड्डिया के काफ़ी तादाद ना कबूतर ने जिन्हों का रिजल्ट बहुत अच्छा है, और रिजल्ट थोड़े सामने में कोई लुकी छुपी तो गल हैगी नहीं। 2018-19-20 इनशाला 21 भी अच्छा रिजल्ट इनशाला ताला आएगा, सारिया तारीफा अल्लाह पाक को ने, साड़ी पूरी कोशिश है कि रिजल्ट अच्छा आएगा इनशाला, ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी, इस अलावा जोड़ा जोड़ है वो किस तरह का पसंद करते हो? जोड़ के अंदर हल्का जहा खला होना जरूरी है, ज़्यादा जरा बंद जोड़ ज़्यादा है ना, ज़्यादा कबूतर बहुता भी बंद जोड़ वह भी अच्छा नहीं होता, हल्का फुल्का उनके गायब होना जरूरी है। इन्ना भी गायब ना हो तो हाथ ही अंदर उंगली लंघ जाए, ऐसे वाल बराबर वो गायब होना चाहिए, होना जरूरी है जी। उस्ताद जी, इस अलावा जो जोड़ है वो नरम पसंद करते हो सख्त पसंद? नरम पसंद कर, नरम पसंद करते हो माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, सानू आज क्रॉस जोड़ा लगाना दस लगे हो, तो क्रॉस जोड़ा किस तरह लाते हो, थोड़ा जहा अपना इलम सा शेयर करो। कमगर कबूतर के नाल टैड़ी मादी लाने, तो कमगर कबूतर साढ़े असी अच्छा पर लाने, यानी नुकीले पर हो मादी गोल पर ला दी, उन्हें रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है, ठीक हो गया। यानी कि तुम क्रॉस जड़ा ना ब्लड लाइन क्रॉस ज़्यादा करते हो? ब्लड लाइन ज़्यादा करने हैं जी, ठीक हो गया। क्योंकि क्रॉस जिसलिए तुम कबूतर ला दे ना, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, एक तो ब्लड दो हो जाते हैं, जिसल डबल ब्लड होता है ना, उनका रिजल्ट आउटस्टैंडिंग आता है, बहुत अच्छा क्रॉस है टैडी का कमगर का माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, इस तो अलावा तुहाडे जिहड़े टैडी कमगर कबूतर उन्हां दा वजूद भी माशाल्लाह वड्डा है जी, ते टैडियां दा जरा वजूद नॉर्मल होंदा? जिहड़े कमगर साडे कोल ने ना, इन्हां दे बॉडी स्ट्रक्चर जिहड़े ने ना बहुत ही अच्छे, बड़े बड़े वड्डे कबूतर लिखण लगदे ने, ते जिसले प्लेयर फटदा ना उहदे हत्थ सिर्फ खंभ ही खंभ आउंदे ने, इन्हां दे गोश्तखोरे कबूतर नहीं हैगे, लाइट वेट दे कबूतर ने, उस तरह तुहानूं वेखो बड़े बड़े वड्डे कबूतर नज़र आणगे, जिसले तुसीं हत्थ च फड़ोगे इंज लगणगे जिसले मुठ खंभां दी आ गई, ये अच्छे कबूतर की पहचान है। बिल्कुल, मैं ज्यादा मोटे कबूतर पसंद नहीं करता, कबूतर लाइट वेट पसंद करता। तो सारे कबूतर का तकरीबन वेट जो जी लाइट वेट बहुत मैं अच्छा पसंद है, ठीक है। लेकिन उन्होंने बॉडी स्ट्रक्चर उस्ताद जी बहुत वड्डा है, मतलब पता की गल है, बॉडी स्ट्रक्चर कबूतर मेनटेन करना उस्ताद का काम है, जिसले इस कैटागरी के कबूतर असं अपन मादिया के नाल लाने, टैड़िया के नाल लाने, एक डेढ़ पिंडे के कबूतर बन जाते हैं मीडियम साइज के, मीडियम साइज के जल्द कबूतर बन जाते हैं छड़ने तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तुम वेख लो मेरे को 100 पट्ठा तड़िया है, किसी का भी तुम्हें वजूद एडा वड्डा नज़र नहीं आएगा, डेढ़ पिंडे के पट्ठे नज़र आने, ठीक हो। अच्छा उस्ताद जी, सानू कोई क्रॉस लगा जोड़ा अपने हाथों का बहाओ, तो ना उन्होंने थोड़ा जहा सानू रिजल्ट भी शेयर करे। कोई गल नहीं, तुहाडा पट्ठा है, ठीक है।
ये ले दोस्तों, उस्ताद जी ने जो बताया वो नज़र आ रहा है, ये क्रॉस जोड़ा उस्ताद जी लगाना बता रहे हैं। उस्ताद जी ने जैसे आपको शुरू में बताया कि वो ब्लड लाइन को ब्लड लाइन से क्रॉस करते हैं। अब जो क्रॉस जोड़ा है वो आप देख लें, साथ में उस्ताद जी ने जो परपुरजा हड्डी जोड़ भी बताया। उस्ताद जी इसकी दूसरी आंख ज़रा दिखा दें हमें, ताकि सारे पॉइंट जो है ना वो दोस्तों को क्लियर हो जाए। माशाल्लाह उस्ताद जी ज़रा पर दिखाइएगा, माशाल्लाह जी। ये दोस्तों अब इस कबूतर का पर जैसे उस्ताद जी ने बताया अब उसी तरह देख रहे हैं। अब दुम देखें, बिल्कुल बैलेंस और बंद दुम है, और ये इसके जो है ना वो पंजे आप देख रहे हैं। उस्ताद जी ज़रा इसकी हड्डी दिखाइए, ये दोस्तों देखें जो उस्ताद जी ने बताया, ये आप देख रहे हैं ये हड्डी, ये कितनी तीखी है। और उसके अलावा उस्ताद जी ने आपको ये भी बताया कि कबूतर का परेल होना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखें कबूतर के जिस्म के ऊपर सवाए परों के और कुछ भी नहीं है, हड्डी बहुत ज़्यादा तीखी है, तेज़ हड्डी के कबूतर हैं और परेल बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। ये दोस्तों रेडी मादा है, ये अब ये कबूतरी उसके उस्ताद जी ज़रा इसकी आंख दिखाएं, ये कबूतरी बिल्कुल उस कबूतर के अपोजिट है, ब्लड वाइज भी और आंख का जो कलर है वो भी देख रहे हैं माशाल्लाह। आंख का झुकाव जो है ना वो देखें किस सिमत में इस मादा का जा रहा है। ये जो है ना वो सारे पॉइंट जो उस्ताद जी ने बताए थे अब मादा के अंदर मौजूद हैं माशाल्लाह। ये पर भी देखिएगा, क्या बात है, जैसे उस्ताद जी ने बताया था कि थोड़े से गोल परों के पसंद करते हैं वो कबूतर, खासतौर पे मादा, तो ये आप देख रहे हैं पर मादा का भी देख लें। जो परों की सिलेक्शन है, जो हड्डी जोड़ की सिलेक्शन है, जो दुम की सिलेक्शन है, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। जो उस्ताद जी ने आपको बताया वो देखें माशाल्लाह। उस्ताद जी ज़रा फुल व्यू उसका दिखाएँ, ये दोस्तों साथ में कमगर कबूतर और टेडी मादा जो उस्ताद जी ने आपको पहले बताया था कि वो क्रॉस जोड़ा करते वक्त ये सब चीज़ें देखें। पर देखना ख़ासतौर पे जो नर का वजूद है वो भी आप देख रहे हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ये हड्डी नीचे से ये देख रहे हैं, ये अच्छे कबूतर की निशानी है जो नीचे से ये वाली हड्डी है माशाल्लाह। इधर ये दोस्तों उस्ताद जी ने जो आपको जोड़ा बताया, इन दोनों की हड्डियां आप देख रहे हैं कैसे जो है ना वो बड़ी शानदार और ख़ूबसूरत कबूतर है। और दोस्तों हमेशा एक बात का ख्याल रखा करें कि जब भी जोड़ा लगाया जाता है जोड़े के पॉइंट के साथ साथ उनकी खूबसूरती को भी मद्देनज़र रखा करें। ठीक है दोस्तों, अब ये देखें कैसा शानदार कबूतर है, दोनों की खड़त फड़त बड़ी शानदार और ख़ूबसूरत है माशाल्लाह। जी उस्ताद जी माशाल्लाह बड़े अच्छे पॉइंट आपने हमें बताए, तो बड़ी मेहरबानी आपकी। जी सर। अच्छा उस्ताद जी वो पिछले दिनों शायद दुबई भी आप गए थे? तमाम दोस्तों का जिन्हें भी दुबई के अंदर ने उन्हों का शुक्रिया अदा करना, दुबई वाले प्लेयर भी बहुत अच्छे ने ते मेहमान नवाज भी बड़े अच्छे ने, और दुबई वाले प्लेयर को कबूतर भी बहुत अच्छे ने। ऐसी दुबई वाले प्लेयर ने जगह खोखर को प्रोटोकॉल दिता है और अच्छी ऐसी इज्जत की, ऐसी रिस्पैक्ट की है, बस सारी जिंदगी उन्होंने प्लेयर का शुक्रिया अदा करा तो शुक्रिया नहीं अदा कर सकता। जिन्हें भी फरदन फरदन दोस्त ने सब दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करना, जैसे वो मेहमान नवाज ने वैसे ही अच्छे प्लेयर ने, बहुत ही अच्छे लोग ने जनाब। ठीक है। अच्छा उस्ताद जी केड़े केड़े कबूतर उत्थे तुसी वेखे ते केड़े दोस्त को ज़्यादा मजा आया? उत्थे कबूतर जिन्हें भी मैं वेखे ने ना, किसी को भैड़ा कबूतर नहीं मैं वेखिया। जिस प्लेयर को गया वहाँ, जैसे काफ़ी नाम ने, यूसुफ है, यूसुफ हमदान को गए हैं, फिर फाजल अब्दुल्ला को गए हैं, अब्दुल्ला फाजल, खालिद हमदान, अहमद कमर, उस तो बाद यूसुफ पाकिस्तानी साड़ा दोस्त है, वो एक उन्होंने दोस्त अमीन सी, यानी जिन्हें भी प्लेयर को असी गए हैं ना, एक महमूद है, महमूद ना का अरबी सी, उन्होंने घर गए, बड़ा अच्छा शौक किया। जिन्हें प्लेयर को भी गए हैं ना,
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਉਹਨਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਤਮਾਮ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ, ਫਰਦਨ ਫਰਦਨ ਜਿਸ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਸਭ ਦਾ। A to Z ਦੁਬਈ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਕੀ। ਵੈਲਕਮ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੋ ਨਾ ਵੋ ਪੈਟਰਨ ਕੇ ਸਾਥ ਆਪਕੋ ਜੋ ਕ੍ਰਾਸ ਜੋੜਾ ਲਗਾਨਾ ਹੈ ਵੋ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਗਾਹ ਕੀਆ। ਤੋ ਅਬ ਦੋਸਤੋ ਦੀਜੀਏਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫੀਮਾਨ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਔਰ ਜਾਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ ਦੋਸਤੋ ਨੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਹਮਾਰਾ ਚੈਨਲ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕੇ ਰਾਜ਼ ਔਰ ਮੁਝ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਂ, ਬੈਲ ਕੇ ਆਇਕਨ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਕੋ ਹਰ ਨਈ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਤੀ ਰਹੇ।